कोरोना संकट के चलते लोगों को परिवहन विभाग संबंधी कार्य में दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसके चलते लोगों को परिवहन संबंधी कार्यों के लिए बार बार आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में विभाग नई ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च करने जा रहा है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम धर्मशाला में पायलट बेस पर शुरू किया जाएगा तथा एक दो दिन बाद इसे शिमला में भी पायलट बेस पर शुरू किया जाएगा। गुड्स कैरियर्स रिन्यू करवाना, गाड़ी की पासिंग रिन्यू करवानी है, बस ऑपरेटर्स को एसआरटी देने और स्पेशल अनुमतियों के लिए आरटीओ कार्यालय आना पड़ता है। इस व्यवस्था के तहत ये सभी काम ऑनलाइन हो सकेंगे। ई परिवहन व्यवस्था में विभिन्न 18 सेवाएं शामिल हैं जिन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। जी, इसमें ऐसा है कि आजकल जो कोरोना काल जो चला हुआ है, तो उसके मद्देनज़र डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि लोगों को अपने विभिन्न कामों के लिए आरटीओ ऑफिस आना पड़ता है, तो किस तरीके से उनका फुटफॉल जो है वो आरटीओ ऑफिस में कम किया जाए। तो उसी के तहत विभाग ने एक नई व्यवस्था लॉन्च कल करने जा रहा है। वो सबसे पहले धर्मशाला में उसको पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा और एक दो दिन बाद ये शिमला में भी पायलट बेसिस पे लॉन्च की जाएगी। व्यवस्था का नाम है ई परिवहन व्यवस्था और इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कोई जो नॉर्मल काम आरटीओ ऑफिसेज में होते थे, जिसकी वजह से लोगों को आना पड़ता था, जैसे गुड्स कैरिज आपने रिन्यू करवाना है, अपनी गाड़ी की पासिंग आपने रिन्यू करवानी है, हमारे जो बसों के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको एसआरटी देना होता है या उनको स्पेशल परमिशंस देनी होती हैं, तो इस तरीके के जितने भी छोटे मोटे काम थे जिसकी वजह से लोगों को आना पड़ता था, इस नई व्यवस्था के तहत ये सारे काम ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। इसमें लगभग कोई 18 तरह की सेवाएं हैं हमारी जिनको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं।